चलो भाई अब शुरू करते हैं। क्या बकचोदी करे जा रहा तू? तुझे क्या लग रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके आगे तेरी वीडियो कोई देखेगा? नहीं तो फिर भी मैं बनाऊंगा। ठीक है जामर हट। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अद्भुत रोचक तथ्य लाया हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें अपने आप पे शर्म आएगी, अपने आप पे कोसोगे कि हे भगवान मैं धरती पे जिंदा क्यों हूँ। आज इस वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को कैसे एक बुजुर्ग आदमी ने सभी नौजवानों को उनकी औकात दिखा दी। और इस सफेद शर्ट वाले की बातों पे ध्यान मत दो, इसका काम ही है निगेटिव बात करना। तो चलो अब बेफजूल की बातें छोड़ो, अब शुरू करते हैं। ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। ये तो वही बात हो गई ना कि भुखड़ के आगे सेब दिखा दिखा कर खाओ। मैं बता रहा हूँ इसको मरने के बाद कीड़े पड़ेंगे, नौजवानों को आय लगेगा उस बुढ़ों को। चलो कमेंट सेक्शन में नौजवानों का दिल का हाल जानते हैं। चाचा कौन सी मंदिर गया था बता दे। साला ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। बताओ हमारे हाथ का रेखा मिट गया और ये भोसड़ी का ले रहा है। कलेज है भाई साहब जिंदगी में पूरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जा रहा हूँ मैं चुल्लू पर पानी में डूब के मरने। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? उठा ले ऊपर वाले वरना नहीं जीने देंगे ये भोसड़ी वाले। उठा ले रे, अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता। मैं तो रेल के पटरी पर बैठा हूँ, तुम लोग अपना अपना देख लो, बस अब जीना नहीं है। भाई मुझे दूसरे गोले पे छोड़ दो, मैं अंधा हूँ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई मेरे को जान से मार डालो। चलो ये बात मानते हैं, गलती हो गई हमसे, चुक गए हम लोग, पर ये देखने के बाद तुम लोग शांति से एक जगह नहीं बैठ पाओगे। ये कौन सा योगा है? ये योगा तो मैंने कभी रामदेव को करते हुए नहीं देखा। और वो कर भी कैसे पाएंगे, वो तो धोती पहनते हैं ना, उनकी धोती नहीं खुल जाएगी। मेरे को जानना है कि ये वाला योगा कौन लोग सिखा रहे हैं, वो तो मैं बाद में पता लगा ही लूंगा। तुम लोग एक नजर कमेंट सेक्शन में डालो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में मैं 40 बार सरपंच का चुनाव हार चुका हूँ। सबकी नजर केंद्र सरकार पर है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज कोई नहीं आएगा बचाने इसको। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से योगी और मोदी औरतों से दूर रहते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? काफी गंभीर समस्या है, कल संसद भवन में मिलो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बस यही सब देखने के लिए तो मेरी आत्मा भटकती रहती है। सबका नजर जिला मुख्यालय पर है। बेटा प्लास्टिक ओढ़कर ऐसा भयानक अंदाज में फेलूंगा, पड़ोसी सोचेगा बापू कुरकुरे खा रहा है। मुझे धोती खोलने पर मजबूर मत कर। इतना ही नहीं, आपने किस्सा सुना होगा गांव देहात में कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। नहीं सुना तो सुन लेना जाके, फिलहाल ये देखो। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? भाई मैं तो बोलता हूँ कि सब लोगों को सोशल मीडिया को धन्यवाद कहना चाहिए कि घर बैठे क्या क्या देखने को मिल जा रहा है। नहीं तो बताओ ऐसे निर्जीव कीटाणु खोजने जाते हैं तो कितना पैसा कितना टाइम खराब होता। और यहाँ देख लो सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है, और यहाँ तक कि आप मुजरा भी देख सकते हो,
छोड़ो बेकार की बातें, आओ इस निर्जीव प्राणी का कमेंट पढ़ते हैं। नो बॉल। तबो चलो इस निर्जीव प्राणी को इससे पहले कि हवा उड़ा ले जाए। अरे बिटिया रानी को पोलियो ड्रॉप पिलाओ। ये किसकी पतंग उड़ रही है भाई? ले से घर में जाओ, आंधी तूफान आने वाला है, उड़ मत जाना। सुबह उठकर एक गिलास दूध के साथ दो केले भी खाया करो। आम का अचार खा रहा हूँ, बाद में कमेंट करूंगा। बेटा गांड तो सूख गई है तुम्हारी। दया देखो इस माधव चोत को। जाओ का मतलब खींचाना नहीं है, इसकी बड़ी बहन भी एक है, ये देखो। उसने मुझे बुरे वक्त में छोड़ दिया था और अब उसका कॉल आया, कहता कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई। कहता कहाँ पर? मैंने कहा तेरी औकात से। अरे बड़ा कमजोर लैग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। देख रहा है ना विनोद, गांड में कौवे को भी खाने पर मांस नहीं है। ऐसी स्थिति में भी प्यार मोहब्बत इश्क हो जा रहा है आजकल। मैं तो कभी कभी ऐसे लोग को देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इनकी बुढ़ापा है या जवानी है। छोड़ो ये सब बातें, आओ कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ते हैं। आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। ये इसको मेरे ऑफिस में भेजो। इसे कहते हैं कुपोषण का शिकार। अच्छा हुआ नहीं तो वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता। देखा समय पर पोलियो न पीने का नतीजा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखा अपने लापरवाही का नतीजा। देखा पूरा देखा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं भी ऐसी ही बात करता था, फिर किसी ने मुझे गोली मार दी। अब बात कही है, आओ तुम्हें वैक्सीन लगा दूं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तेरी औकात मेरी चड्डी के अंदर है। तो चलो अब बस भी करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो आप भी अपना फोन बचा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है ठोक दो। तो चलो टाइम हो गया, वैसे भी आज पड़ोस में शादी है, वहाँ जाके मुझे मुर्गा भी बनना है। लड़के वालों ने बोला है कि खाने में मुर्गा चाहिए, तो बेचारों का बजट कम है, मैं सोच रहा हूँ मैं ही मुर्गा बनाऊँ और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं मुर्गा बन के आता हूँ।